बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं जी आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं। अच्छा जी, आज हमारा जो टॉपिक है वो है हाउ टू डेवलप मॉडल इन स्मार्ट पीएलएस। पीएलएस जो है, जो सॉफ्टवेयर है स्मार्ट पीएलएस, इसमें अपने मॉडल को कैसे डेवलप करना है। कौकब मंजूर आपकी खिदमत में हाजिर है जी, टीचर ट्रेनर एंड लाइफ कोच। सो उम्मीद है आप रेडी होंगे, कॉपी पेन आपके पास ऑलरेडी होगी। सो लेट्स बिगिन हाउ टू डेवलप मॉडल इन स्मार्ट पीएलएस। अच्छा, सबसे पहले आप ये याद रख लें कि जब आपने स्मार्ट पीएलएस में डेटा एंट्री नहीं होती, तो डेटा आपने ऑलरेडी एक्सेल में या एसपीएसएस में आपने ऑलरेडी एंटर किया हो। कैसे करते हैं एंटर, उस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई है कि एसपीएसएस पे डेटा कैसे एंटर होता है। तो आप सिंपली लिख सकते हैं हाउ टू एंटर द डेटा इन एसपीएसएस, मेरा नाम साथ में लिख देंगे तो आपको पूरा वो वीडियो आ जाएगी। बहरहाल वो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी आपको सारे मिल जाएंगे। तो अब हम देखते हैं कि जो स्मार्ट पीएलएस है, इसमें हमारे पास डेटा एंट्री तो नहीं होती, तो हमने क्या किया, हमारे पास ये देखें एसपीएसएस की एक फाइल है जिसमें ये डेटा सारा एंटर हुआ हुआ है। ठीक है, तो आपके आपने सबसे पहले काम ये करना है कि डेटा को एसपीएसएस में एंटर कर लेना है। ठीक है, अच्छा दूसरी बात अहम वो ये है कि जो स्मार्ट पीएलएस है वो सिर्फ सीएसवी फॉर्मेट की फाइल को एक्सेप्ट करता है और उसमें एरर्स के चांसेस फिर नहीं होते, क्योंकि बाकी जो फॉर्मेट है उसमें फिर एरर आ सकते हैं। अब ये सीएसवी फॉर्मेट में हम इस डेटा को कैसे कन्वर्ट करेंगे, आए इसको देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। ये आपका डेटा है जी, और यहाँ से आप जाएंगे फाइल, फाइल और सेव एज, सेव एज को क्लिक करेंगे तो आप कहाँ जहाँ पर भी सेव करना चाहते हैं। मैं फॉर एग्जाम्पल ये मैंने कोकअप का एक फोल्डर बनाया हुआ है अपने नाम से और यहाँ मैं सेव करना चाहता हूँ। यहाँ पे आएंगे जी सेव एज टाइप, यहाँ पे आप कर देंगे, इसको क्लिक करेंगे और ये है आपका सी एस वी कॉमा डिलिमिटेड सी एस वी। ठीक है, यहाँ से इसको ये सेलेक्ट कर देंगे, यहाँ पे हम इसको कोई नाम दे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम नाम दे देते हैं जी वीडियो बनानी है हमने, आप अपने भी जो भी आपका टाइटल है आप उसको इससे नाम दे देंगे, तो ये हम यहाँ पे कर देंगे इसको सेव। ठीक हो गया, अब ये डेटा हमारा सेव हो गया वहां पे, इसको नो कर देते हैं। अब हम जाते हैं अपना स्मार्ट पीएलएस पे, क्योंकि स्मार्ट पीएलएस में डेटा एंट्री से पहले हमें चाहिए था कि हम अपने डेटा को सेव करें किस में, स्मार्ट सीएसवी फॉर्मेट के अंदर। तो हमने उसको सीएसवी फॉर्मेट में सेव कर दिया है और ये हमारे पास स्मार्ट पीएलएस, ये हमारे पास स्मार्ट पीएलएस ओपन हो गया। ठीक है, इसको हम डिलीट कर देते हैं, ये पहले से एक फाइल बनी हुई है। अच्छा जी, अब क्या करना है आपने, सबसे पहले फाइल और क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट। अब यहां से हमने क्या किया, न्यू प्रोजेक्ट, तो आप यहाँ पे नाम दे दें फाइल का, जो भी आपका है रिसर्च थीसिस है जो भी है, हम चूंकि वीडियो बना रहे हैं तो हम इसको अपना नाम देते हैं वीडियो, प्रैक्टिस लिख देते हैं कोई भी। ठीक है, तो हम ये आप यहाँ पे नाम दे देंगे। ठीक है, नाम दे दिया आपने, अब ये आपके देखें लेफ्ट साइड पे ये आपको फाइल आपको ये नजर आ रही होगी, वीडियो प्रैक्टिस ये बन गया। ठीक है, अब इसके ऊपर ये जो लिखा हुआ है डबल क्लिक द टू इम्पोर्ट द डेटा, डबल क्लिक टू इम्पोर्ट डेटा, तो हम क्या करेंगे इसके ऊपर क्लिक कर देंगे और अब हमने डेटा इम्पोर्ट करना है। तो अभी हमने कहाँ सेव किया था, जहां पर आपने डेटा सेव किया होगा वहां से हम इसको इम्पोर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो ये देखिए कोकअप और इसको फोल्डर हम खोल लेंगे, ये वीडियो के नाम से हमने यहाँ पे सेव किया था और ये हमने ओपन कर लिया। इसका नाम क्या रखें जी, वीडियो जो भी आप नाम रखना चाहते हैं वो उसका नाम रख के ओके, ये भी आ जाएगा थोड़ी सी देर में, कैलकुलेट रनिंग इंडिकेटर्स फाइल 100 रिकॉर्ड्स दिखा रहा है और ये क्यों नहीं आ रहा डेटा, देर में तो आ जाना चाहिए। ये जी आ गया हमारे पास डेटा। ठीक हो गया, ये हमने फाइल का नाम थोड़ा सा चेंज कर दिया इसको, तो ये भी डेटा हमारे पास आ गया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हमने मॉडल डेवलप करना है। तो आप ये देखें ये हमारे पास कितने इसमें रिकॉर्ड्स हैं, 100 रिस्पॉन्सेज हैं। ठीक है, सैंपल साइज 100 है, इंडिकेटर्स हमारे पास टोटल 30 हैं। अब हमने क्या करना है, मॉडल डेवलप करना है। तो अब ये देखें ये जो आपको नजर आ रहा है ना वीडियो के ऊपर एबीसी, ये मैंने फाइल का नाम एबीसी कर दिया है, तो अब पहले कोई एरर आ रहा था इसमें। तो बहरहाल आपकी जो भी फाइल का नाम है इस तरह ये मॉडल बना होगा, ये जैसे करके ना ये
गोल दायरा सा और नीचे इस तरह से, तो इसको आपने क्या करना है, क्लिक कर देना है। जब ये क्लिक कर देंगे तो अब ये देखें आपके पास ये लेफ्ट साइड पे ये आपके सारे इंडिकेटर्स यहाँ पर आ गए हैं, ये जो आपके आइटम्स थे वो आ गए हैं। ठीक है, अब फर्ज करते हैं हमारा जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो है, सॉरी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो CSR है, यानी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये आपको CSR1 नजर आ रहा है, इसमें कितने आइटम्स हैं, CSR 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो हमने क्या करना है, अब यहाँ से वन को, इन सारों को सिलेक्ट कर लें, कैसे करेंगे, शिफ्ट और डाउन एरो को प्रेस करते चले जाएंगे, तो ये हमने सारे कर लिए, नहीं CSR 8 तक। ठीक है, इसको यहाँ से पकड़ें और ड्रैग करें यहाँ पर इस साइड। अब ये आपका देखें आपके सारे आ गए CSR, यानी उसके आइटम्स और ये वेरिएबल। अब ये रेड कलर में देखें आपको क्या रहा है, दिस लेटेंट वेरिएबल इज नॉट कनेक्टेड विद अदर वेरिएबल। तो पहले हम इसका नाम ठीक करते हैं, इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे और ये आ गया हमारे पास रीनेम। तो हमने यहाँ पे इसका नाम क्या रखा, CSR, जो भी आपके वेरिएबल का नाम होगा वो आप रख देंगे। ओके हो गया। अच्छा, अब हमने क्या करना है, अपने ये हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। अब आपका जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, फर्ज करें हमारा जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो है CL, यानी कस्टमर लॉयलिटी। इसके अंदर कितने हैं, CL 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 1 से लेकर उसी तरह शिफ्ट डाउन एरो इसको करके ये हमने सारे सेलेक्ट कर लिए और ये पकड़ के हमने इसको ड्रैग करके यहाँ पर इसके सामने कर दिया। ठीक हो गया। अब ये एरोज इस तरफ हैं, तो हम पहले इसका नाम बदला देते हैं। इसका नाम था हमारे पास, राइट क्लिक किया और ये है हमारे पास CL, यानी कस्टमर लॉयलिटी। आप पूरा नाम लिख लिए ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। अब हमने क्या करना है, ये देखें लेफ्ट साइड राइट साइड पे आपको अलाइन नजर आ रहा है, तो हम ये चाहते हैं कि ये जो इसके आइटम्स हैं ये इस साइड पे आ जाए, तो हम क्या करेंगे, इसको क्लिक कर दिया, ये साइड पे आ गया। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा आगे कर देते हैं। अब क्या हो गया, ये हमारा डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, अब हमने इसके दरमियान क्या करना है, एरो लगाना है। तो हमने यहाँ से ये ऊपर देखें एरो इसको सिलेक्ट किया और यहाँ से कनेक्ट, तो अब यहाँ पे आएंगे, इधर से क्लिक करेंगे, यहाँ से पकड़ के एरो ड्रॉ किया और यहाँ पे आके आपने क्लिक कर देना है। क्लिक कर देंगे तो देखें दोनों ब्लू हो गए हैं, यानी मॉडल डेवलप हो गया। ये जो पोर्शन है इसका, ये वाला, ये जो येलो आपको नजर आ रहा है, इसको कहते हैं आउटर मॉडल या इसको कहते हैं मेजरमेंट मॉडल। ठीक है, ये जो येलो वाला पोर्शन है, ये वाला, ठीक है, इसको कहते हैं आउटर या मेजरमेंट, क्योंकि ये सारे आइटम्स मेजर कर रहे हैं इस वेरिएबल को, कस्टमर लॉयलिटी को, ये सारे कंस्ट्रक्ट मेजर कर रहे हैं इसको, CSR को। ठीक है, और ये जो अंदर है हमारे पास इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट, इनको कहते हैं इनर मॉडल या स्ट्रक्चरल मॉडल। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इंडिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अच्छा, अब आप चाहते हैं कि जी इसमें हम कोई दो इंडिपेंडेंट एक और हो, तो उसको भी इसी तरह कर लेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ से लेट सपोज हम ये कहते हैं ये CR जो है ये हमारा एक और इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो इसको भी इसी तरह यहाँ से सेलेक्ट करके ड्रैग करके यहाँ ले आएंगे, राइट क्लिक करेंगे, उसका नाम बदला देंगे और फिर एरो खींच के इसके साथ मिला देंगे, तो ये हमारे दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएंगे। इसी तरह आपके 3 हैं 4 हैं, तो अगर डिपेंडेंट है तो इस साइड पे कर देंगे। ठीक हो गया, तो इस तरह से कर दें। अच्छा, फर्ज करें आपका मॉडल में एक मीडिएशन भी है, तो हम क्या करते हैं, फर्ज कर लेते हैं ये लेते हैं CR 1, 2, 3, 4, 5, ये जो है हमारा हमारा वेरिएबल जो है ये हम कहते हैं जी हमारा मीडिएटर है, तो हमने मीडिएटर को यहाँ पे कर दिया। ठीक है, और इसको हम करते हैं राइट क्लिक, इसका नाम क्या रखते हैं, अच्छा सॉरी इसको यहाँ से हटा देते हैं, ये है यहाँ से करेंगे राइट क्लिक, ये आ गया रीनेम और इसका नाम हमने रखा जी CR। ठीक है जी, कस्टमर रिलेशनशिप या जो भी आपका वेरिएबल है वो आपने रखा, और इसको हम चाहते हैं कि ये जरा इसके जो आइटम्स हैं ये नीचे की तरफ हो जाएं, तो इस वाले को क्लिक कर देंगे। ठीक है, क्लिक कर देंगे, आप ये देखें ये नीचे हो गया। ठीक है, आप अगर चाहें तो इन आइटम्स को हटा भी सकते हैं, आप इनको यहाँ से सेलेक्ट करके आप ये देखें, देखें हाइड इंडिकेटर्स, तो मैं हाइड कर दूंगा तो देखें सारे गायब हो गए, तो आपकी मर्जी है आप हाइड करना चाहते हैं या नहीं, अगर आपको रश लग रहा है तो। अच्छा, अब क्या है मीडिएशन में, क्या होता है, हमने एरो सेलेक्ट किया, ये जो है ये इसके साथ कनेक्टेड है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आपने छोड़ना नहीं है कि इसको क्लिक करना होता है। ठीक है, और फिर ये वाला वेरिएबल इसके साथ कनेक्टेड है,
तो रेडिएशन क्या मतलब होता है कि ये सीएसआर कस्टमर लॉयलिटी को तो इफेक्ट कर रहा था, इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट को इफेक्ट कर रहा था, लेकिन हम जो कहते हैं कि सीएसआर जो है वो सीआर को भी इफेक्ट करता है, और फिर सीआर जो है वो कस्टमर लॉयलिटी को इफेक्ट करता है। मिसाल दे रहे हैं ऐसे मॉडल, आपके जो वेरिएबल होंगे मीडिएटर उसको आप से ले सकते हैं। अब मीडिएटर क्या होता है या मीडिएटर वेरिएबल क्या होता है, इस पर हमने अलग से वीडियो बनाई हुई है, आप वो देख लें। हम यहाँ पे वेरिएबल्स की डेफिनेशन एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहे, हम सिर्फ बताना ये चाह रहे हैं कि स्मार्ट पीएलएस में आपने मॉडल कैसे डेवलप करना है। ठीक हो गया, तो आई थिंक अब आपको समझ आ गई। इसी तरह आप मॉडरेटर भी डाल सकते हैं। यहाँ पर ये सारे आपके जितने भी वेरिएबल्स हैं उनके आइटम्स नजर आ रहे होंगे। अब देखिए हमारे पास एक और भी है एस क्यू यानी सर्विस क्वालिटी, तो इसको भी हम ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारी डो मीडिएशन है, हम यहाँ पर इसको भी ले सकते हैं। मॉडरेटर है उसको भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे वेरिएबल्स या डिपेंडेंट हैं इंडिपेंडेंट हैं, इसी तरह आपने सेलेक्ट करके ड्रैग करके जहाँ भी आप रखना चाहते हैं रख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये हट जाएं सारे इसके आइटम्स, तो यहाँ से राइट क्लिक, हाइड इंडिकेटर, राइट क्लिक वेरिएबल के ऊपर इसके, सॉरी इसको इसको सेलेक्ट करेंगे, इसको सेलेक्ट किया और हाइड इंडिकेटर, ठीक है, इसको सेलेक्ट किया और हाइड इंडिकेटर, तो ये आपका मॉडल ऐसे बन गया। तो ये आपको रिलेशनशिप बता देगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कि इनकी वैल्यूज़ कैसे कैलकुलेट होती हैं, वैलिडिटी रिलायबिलिटी कैसे कैलकुलेट होती है। सो आई थिंक दैट्स एनफ फॉर टुडे। इंशाल्लाह कोई क्वेश्चन हो तो फिर आप कमेंट में कर सकते हैं। थैंक यू।